TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसी में काम करते वक्त हमें क्या क्या टूल्स लगते हैं और क्या क्या टूल्स हमारे पास में होने चाहिए, क्योंकि कई फ्रेंडों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एसी के टूल्स के बारे में बताइए, हम एसी के टूल्स खरीदना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं कि कौन सा टूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये पूरा देखेंगे और एसी से रिलेटेड सारे टूल्स और फ्रिज से रिलेटेड सारे टूल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं आपको सारे टूल्स एक एक करके सारे टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें अपने पास में रखनी चाहिए। लगभग जितनी आप मेरे पास में यहाँ टेबल पे शो हो रही है चीजें, वो सारी चीजें आपको अपने पास में रखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पास से पूरी चीजें एक एक चीजें मैं आपको दिखाता हूँ और वो चीजें आप अपने मार्केट से आसपास से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैं कई ऐसे टूल्स की लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हैं। और आपके पास में अगर मेरी ऐप आई है तो आप उसे ऐप के अंदर एडवर्टाइज ऑप्शन में जाकर भी वो टूल्स आप देख करके वहाँ से क्लिक करके खरीद सकते हैं। अगर आपके पास में वो ऐप आई नहीं है और आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टूल्स के बारे में। तो फ्रेंड, हम हमारे टेबल पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हथौड़ी। और आपको पता है कि हथौड़ी हमारे पास हमें होनी चाहिए क्योंकि हम एसी का काम करते हैं, और हथौड़ी के साथ में ये छन्नी हम इसे कहते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत झिरी मारनी पड़ती है एसी का कोई पाइप फिट करने के लिए या कुछ वायर को दबाने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत झिरी मारनी पड़े। इसलिए इस तरह की लंबी सी छन्नी आप रखें ताकि आपको झिरी मारने में थोड़ी आसानी हो। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं मेरे पास में स्प्रिंग टाइप में है और इन्हें हम बोलते हैं पाइप बेंडर, कॉपर पाइप बेंडर। ये बेंडर है, आप मेरे पास में तीन साइज है, ये सबसे साइज है जो क्वार्टर का है और ये हाफ का है और ये 5/8 साइज का है। तो देखिए मेरे पास में ये पाइप है और ये पाइप जो है 5/8 का है और उसमें ये वाली स्प्रिंग लगती है। आप इसमें इसे डाल के और इस तरह से इसे दबा के आप बैंड कर सकते हैं। तो ये हो गया और ये है हाफ का, ये हाफ के लिए बैंडर है, आप इसमें डाल करके इसे अपने अनुसार इसे बैंड कर सकते हैं। और ये वाला हो गया क्वार्टर का। तो हमें ज़्यादातर क्वार्टर के पाइप को बैंड करने की स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो काफ़ी इजीली हाथ से हो जाता है, क्योंकि हमें हाफ और क्वार्टर, हाफ और 5/8 पाइप में ही बैंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम उसे ज़बरदस्ती हाथ से बैंड करते तो कई बार वो पंच हो जाता है इसके लिए। और ये वाला जो बैंडर है ये हाफ पाइप के अंदर की तरफ बैंड करने के लिए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार खोल के, इसका जो साइज़ है 1 मीटर का साइज़ है पूरा, आप इसे नापेंगे तो पूरा 1 मीटर का साइज़ है। और ये देखिए ये हाफ पाइप है, ये इसके अंदर जाएगा इस तरह से और इसके अंदर जाकर के फिर आप इसे अपने हिसाब से इसे बैंड कर सकते हैं ताकि ये यहाँ से कहीं से भी पंच ना हो, उस हिसाब से ये बैंड हो जाता है। और इसको निकालने का भी तरीका बिल्कुल ईजी, आप आराम से खींच सकते हैं या यहाँ पे कोई पेचकस डाल के इसे घुमा करके इसे बाहर आराम से इजीली निकाल सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं। तो सावधानी से करें सारा काम क्योंकि स्प्रिंग है, कई बार झटके से बाहर आए तो लग भी सकती है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथली बैंड हुआ है, कहीं पे भी पंच नहीं होगा। तो ये है अंदर की तरफ से डाल के बैंड करने के लिए, इसे भी हम बैंड स्प्रिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट ये ब्रश मैंने रखा हुआ है, हालांकि मैंने भी नया लिया है, पहले वाला मेरा ख़राब हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ नया खोल के। ये ब्रश है, अगर आपके स्प्लिट एसी इंडोर यूनिट में आप देखेंगे क्लीन करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, कॉइल क्लीन, कूलिंग कॉइल के ऊपर डस्ट जम जाती है उसकी साफ़ सफाई करने के लिए आप ये ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं, ये है फ्लेयरिंग टूल और इसमें हम कॉपर पाइप को फ्लेयरिंग करते हैं।
और फ्लेयरिंग करने से पहले हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी पाइप की फ्लेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें ये वाले जो फ्लेयरिंग बोल्ट होते हैं ये जरूर डाल लें, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं ये बोल्ट डालना भूल जाता हूँ, फ्लेयरिंग करता हूँ फिर ध्यान आता है कि मैंने बोल्ट डालना भूल गया। तो ये इस तरह का बोल्ट पहले डाल लीजिए और बाद में फ्लेयरिंग करके अपना एसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने सैंपल के लिए रखा है, और मैं कहना भी ये चाहता हूँ कि इस तरह के कई स्पेयर पार्ट छोटे छोटे आप अपने पास रखें, क्योंकि कई बार कस्टमर के यहाँ जाते हैं तो फ्लेयरिंग बोल्ट जो होता है ये कई बार क्रैक हुआ हुआ रहता है, ख़राब होता है, या कई बार उसकी चूड़ी ख़राब होती है तो वहाँ से गैस लीक हुई भी रहती है। तो आप इस तरह के कुछ नॉर्मली टूल्स अपने पास में रखिए, जैसे कि ये फ्लेयरिंग बोल्ट हो गया, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैपेसिटर हो गया, ये 5 का कैपेसिटर है, ये आउटडोर यूनिट में पंखे के ऊपर लगता है 5 का कैपेसिटर, और ये 30 MFD का कैपेसिटर है, ये AC में लगता है, और मैं कहूँगा कि आपको 30 और 40 MFD के 2 कैपेसिटर रखें और एक 5 का कैपेसिटर अपने पास में बैकअप के लिए रखें, ताकि आपको ये पता हो कि ताकि हम ये देख सकें कि कहीं कैपेसिटर ख़राब तो नहीं है, हम अपना कैपेसिटर लगा के चेक कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कंप्रेसर नहीं चल रहा, क्योंकि कंप्रेसर कई बार कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से भी नहीं रन करता है। तो ये हो गया हमने फ्लेयरिंग टूल के बारे में देख रहे थे। हम फ्लेयरिंग टूल में कई फ्रेंड मुझसे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चले कि कौन से पाइप का क्या नंबर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी होल है सब अपने अपने होल के पास में उसके नंबर बिल्कुल आराम से लिखे हुए हैं, आप वो नंबर देख करके पता कर सकते हैं कि कौन से पाइप क्या नंबर का है। अब फॉर एग्जांपल हम इसे क्वार्टर कहते हैं, तो ये क्वार्टर वाला जो साइज है ये जाएगा इसमें, और इसका साइज है 1/4 का, ये जाएगा इसमें और इसका साइज 1/4 का है। ये मैंने यहाँ से इसे पैक कर लिया, तो ये वाला साइज जैसे हमने यहाँ पे डाला है इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/4, तो ये 1/4 का साइज है, इसे हम क्वार्टर भी कहते हैं। और इसे फ्लेयरिंग करते हैं इस तरह से, और फ्लेयरिंग अपने काम के अनुसार करें, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा फ्लेयरिंग करूँगा तो पाइप फटने का ज़्यादा डर है। तो फ्लेयरिंग अगर आपको लगे कि फ्लेयरिंग हो चुकी है तो इतनी ही करें, आप देख रहे हैं ये फ्लेयरिंग होगा। अब मेरे यहाँ पे हुआ ये है कि मैंने इसकी ज़्यादा फ्लेयरिंग कर दी और पाइप ज़्यादा ऊपर रह गया, इसके वजह से ये फट गया है। देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसे, ये देखिए ये पाइप जो है यहाँ से फट गया है, क्योंकि मैंने पाइप का जो मुंह है इस फ्लेयरिंग टूल के अंदर बहुत ज़्यादा भार की तरफ रखा, इसके वजह से ये फट गया है। तो फ्लेयरिंग करते समय सावधानी आराम से रखें। अब मैं आपको सही तरीके से फ्लेयरिंग करके बताता हूँ इसी पाइप की। पाइप जो है बिल्कुल ज़्यादा भार मत निकाले, जितना हो सके जितना हमें फ्लेयरिंग चाहिए उतना ही भार निकाले, ताकि वो खराब ना हो और फटे नहीं। देखिए तकरीबन ये इतना मुंह अगर आप बाहर निकालेंगे, इतनी जगह पे फ्लेयरिंग हो जाकर होके वो उस जगह पे पंच हो जाए जो उसकी जगह बनी हुई है फ्लेयरिंग की लास्ट स्टेप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे फ्लेयरिंग है और यहाँ पे लास्ट इसकी ये स्टेप है, तो यहाँ तक हमें फ्लेयरिंग चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम बाहर निकालेंगे तो जैसा कि आपने यहाँ पर कंडीशन देखा कि ये पाइप फट गया साइड से, और इस कंडीशन में होता ही है कि गैस लीकेज हो जाती है, हम कई बार ध्यान नहीं देते। तो बिल्कुल इस तरह से रखें और अपनी जो है फ्लेयरिंग यहाँ पे कर दें। अब देखिए यहाँ पे फ्लेयरिंग जो है बिल्कुल स्मूथ हुई है और कहीं से भी पाइप जो है फटा भी नहीं है ना खराब हुआ है। तो इस तरह से फ्लेयरिंग करते हैं। आप इसमें फ्लेयरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पाइप कितना बाहर निकालना है। अगर आप पाइप ज़्यादा बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर फ्लेयरिंग करेंगे तो पाइप फटने का पूरा चांस है। कई बार होता यह है कि स्प्लिट एसी में से अगर गैस लीकेज हुई है तो हमारी जो प्रॉब्लम है यहीं पर पता चल जाती है, फ्लेयरिंग बराबर हुई नहीं है। कई बार फ्लेयरिंग काम कर जाती है और कई बार थोड़े दिन के बाद में वहाँ पर गैप बनना शुरू हो जाता है और उसके वजह से वो वहाँ से गैस धीरे धीरे लीक हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये फ्लेयरिंग नट बोल्ट के पास में जो भी
लीकेज होगी तो आप हमेशा अपना साबुन का पानी बना के वहाँ पे आप पानी डाल के चेक करें कि वहाँ से बुलबुले तो नहीं निकल रहे। जहाँ पे भी फ्लेयरिंग बोल्ट लगे हुए हैं इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में तो वो चेक कर लें। फ्लेयरिंग टूल के बारे में देखा, और ये अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो मैं इसकी मेरे एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज ऑप्शन के अंदर मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। और अपने पास में हमेशा रिंच पाना, एडजस्टेबल पाना जिसे कहते हैं, आप ये रखिए। और मेरे पास में ये पाने हैं, ये एडजस्टेबल पाना और ये स्टील एंड ग्रिप का पाना है ये। और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब नया नया आया था, और अब तो काफ़ी कम रेट है, आप इसे अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। ये हर साइज़ के ऊपर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, और इस वाले रिंच पाने को हमें कम ज़्यादा करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपके पास में ऑप्शन है, आप कोई भी रख सकते हैं, और मैंने दिखाने के लिए आपके लिए ये रखा है। और दो टाइप के टू इन वन पेचकस रखिए, जिस तरफ से माइनस और एक तरफ से प्लस मूव हो, तो इस टाइप के दो पेचकस रखिए, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। और साथ में टेस्टर रखिए ताकि आप लोग देख चेक कर सके कि यहाँ पे करंट है या नहीं है। और कटर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम पाइप के ऊपर इंसुलेशनिंग करते हैं, इंसुलेशन पाइप लगाते हैं, टेपिंग करते हैं, या कई बार हमें उसे काटना पड़ता है या फाड़ना पड़ता है, तो अपने पास में एक अपने ज़रूरत के हिसाब से, ताकि आप उस चीज़ को अपने कटर से इजीली काट सकें, क्योंकि कई बार हम हाथ से काटने की या पेचकस से काटने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपर कटता नहीं है। तो कटर से काटेंगे तो वो प्रॉपर कटेगा, और दोबारा से आप उसके ऊपर दोबारा से टेप लगा के आप उसे वापस पैक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड ये है पाइप को पंच करने के लिए, पंच इसे कहते हैं पंच। और ये है स्वैग टूल, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इस पंच में हम काम में ये लेते हैं कि जब भी हम किसी फ्रिज में या गैस भरते हैं या वैक्यूम करते हैं, तो वैक्यूम करने का जो तरीका होता है, हम ड्रायर के पास में एक कंडेंसर की पाइप लगती है और एक एक्स्ट्रा पाइप लगाते हैं जहाँ से हमें वैक्यूम करना होता है। वो पाइप खुली रहती है जब हम कंप्रेसर ऑन करते हैं, और जैसे ही वैक्यूम हो जाता है तो इस पंच से उस पाइप को, इस तरह से पाइप को हम पंच कर देते हैं ताकि हम वहाँ पे ब्रेजिंग कर सकें। ये पंच हो जाता है और आगे का जो मुंह है ये अटक गया, पंच हो गया, और आगे का जो मुंह रह जाता है यहाँ पे हम ब्रेजिंग करके उस मुंह को बंद कर देते हैं, और उसके बाद में आगे की हम जो काम है वो शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का पंच भी आपको रखना जरूरी है अगर आप फ्रिज का भी काम करते हैं। तो ये दोनों, ये जो जितने भी टूल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये आपको फ्रिज और एसी में दोनों में काम आने वाले हैं। और फ्रेंड कई मेरे ये पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चले कि कैपलरी का गेज जो उसका साइज़ है वो कितने नंबर का साइज़ है, कैसा है। तो आप इस तरह की स्केल ले सकते हैं, इसके अंदर जो वायरें हैं दे रखी है, ये गेज वायर है, आप कैपलरी के मुंह के अंदर आप डालेंगे तो ये जो भी साइज़ होगा उसके साइज़ के आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 31 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर, 44 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर, तो ये साइज़ बाय साइज़ पूरा साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसे कैपलरी गेज स्केल भी बोलते हैं। और सब जैसे कि आप मान लीजिए आपका 36 नंबर का कैपलरी है, तो आपको कैसे पता चले, तो आप उसके मुंह में ये वायर डालिए, अगर ये वायर पूरी फिक्स आ रही है उसके मुँह में तो इसका मतलब ये है कि ये 36 नंबर का कैपलरी है। तो आप ये भी अपने पास रखिए ताकि आपको ये पता चले कि कैपलरी कितने नंबर की है। तो फ्रेंड टूल्स सारे होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कैपलरी का साइज़ कितना है, उसका गेज कितना है। तो आप अगर अपने पास में सारे टूल्स रखेंगे तो आपको ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम किससे पूछें या कैसे पता चले। तो इस तरह के टूल्स आप अपने पास में सारे रखेंगे तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कई बार फ्रेंड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि सर कैपलरी का साइज़ कितना होता है फ्रिज के अंदर, और एसी के अंदर कितने साइज़ की कैपलरी होती है। तो आप इस तरह का टूल रखेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस तरह के टूल्स से आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने गेज का कैपलरी लगी हुई है, और कितने साइज़ की जो भी है, कितने नंबर की भी कैपलरी लगी है। क्योंकि हम नंबर के हिसाब से कैपलरी को बोलते हैं कि भाई 31 नंबर की कैपलरी दे दो, 36 की दे दो, या 50 की दे दो, तो हम नंबर बताते हैं कैपलरी का। तो आप इस तरह का स्केल रख के उसका गेज चेक कर सकते हैं। और ये है एलंकी सेट,
इसमें सारे साइज के एलंकी है, और आप आपको अगर जरूरत है तो सारे साइज रखिए, अगर आपको जरूरत नहीं है कि आपको लगता है कि मेरे पास में तीन ही साइज की एलंकी होनी चाहिए तो आप तीन साइज ही रखिए, सारे रखने की जरूरत नहीं। और मुझे तो कई सारे काम करने होते हैं इसलिए मैंने पूरा एक सेट ले रखा है। अगर आपको ये भी अमेजोन से कुछ स्टाइलिश में खरीदना है, क्योंकि ये भी कई सारे स्टाइल में आता है, आजकल फोल्डेबल भी आता है जो ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो जाता है पेचकस की तरह, तो उस टाइप में खरीदना है तो मैं आप एप्लीकेशन में जाइए, एडवर्टाइज के अंदर देखिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी टेस्टर आपने हमेशा मेरे काम करते समय देखा होगा, आप ये भी अमेजोन से खरीद सकते हैं। अब आते हैं गेज मीटर के तरफ। अब मेरे पास में आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो गेज मीटर है ये गैस भरने के काम में आता है, क्योंकि ये 250 PSI तक का गेज मीटर है, और इससे सिर्फ मैं गैस का बैक प्रेशर चेक करता हूँ, और इससे बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर दोनों भी चेक हो जाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि इसमें अपना स्प्लिट एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर बैक प्रेशर कितना आ रहा है, और इसी से ही गैस हम भरते हैं और इसी से ही पता करते हैं कि इसमें कितनी गैस डाल दी गई है। फ्रेंड एक कन्फ्यूजन कई दोस्तों को होता है कि कई मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि हमें यहाँ पे बैक प्रेशर बताता नहीं है इस तरह के मीटर से, तो मैंने कई बार कई दोस्तों से उनकी फ़ोटो मांगी थी कि आप किस तरह से गैस भरते हैं, तो उन्होंने वो फ्रेंड करते ये हैं कि आप ये वाली जो पाइप है आप अपने इस टंकी में लगाएंगे, और ये वाला इस तरफ, सॉरी, और इस तरफ का मुंह आप यहाँ लगाएंगे तो आपको सिर्फ इसका प्रेशर बताएगा इसका। अगर आप ये वाली पाइप यहाँ लगा करके इसे अपने एसी में लगाएंगे और इस टंकी की पाइप को यहाँ लगाएंगे इस जगह पे, ये मैंने बंद कर रखा है इस जगह पे, तो आपको ये जो वाली पाइप है इसमें आपको जो प्रेशर बताएगा वो आपके एसी का बताएगा या कि फ्रिज का बताएगा। अगर आप इसे टंकी में लगा देंगे और इस पाइप में यहाँ लगा देंगे तो आपको सिर्फ आपकी गैस की टंकी का ही प्रेशर बताएगा, वो प्रेशर आपको प्रॉपर नहीं बताएगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसमें प्रेशर क्यों नहीं बता रहा। तो फ्रेंड आप हमेशा जब भी इस तरह के गेज मीटर से गैस भरते हैं तो इस वाले पाइप को हमेशा ध्यान रखिए, जो सीधा वाला पाइप है गेज मीटर के, ये वाला पाइप आपके एसी में या फ्रिज में लगेगा, और दूसरा वाला जो ये वाला सिरा है ये आपके टंकी में लगेगा, जो भी आपकी गैस की टंकी है उसके अंदर लगेगा, ताकि आपको यहाँ पे जो रीडिंग शो हो आपके एसी या फ्रिज की बैक प्रेशर की रीडिंग शो हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी डिटेल आप मुझसे नीचे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ये जो गेज मीटर है इसमें हम पंपिंग और उसकी प्रेशर का जो हाई प्रेशर होता है उसे चेक करने के इस्तेमाल में लेते हैं, क्योंकि ये 500 PSI तक का 500 PSI तक का गेज मीटर है। इससे हम ये पता करते हैं कि पंपिंग इसकी कितनी PSI तक उठ रही है, क्योंकि नॉर्मली ये जो 250 PSI वाला जो हमने गेज मीटर देखा था उसमें पंपिंग जो है 250 तक ही है, क्योंकि कई बार हमारे फ्रिज की जो पंपिंग होती है वो 300 PSI तक होती है और एसी की उससे ज़्यादा होती है, तो हमें इस 500 PSI गेज मीटर में ही पता चलेगा कि प्रॉपर पंपिंग जो है किस तरह से आ रही है, आपको 250 PSI वाले गेज मीटर में नहीं पता चलेगा। तो इस तरह का लाल कलर का जो गेज मीटर है वो अलग आएगा, प्रेशर गेज मीटर बोलते हैं इसे, और उससे आप गैस के प्रेशर का गेज मीटर आप दो इसे भी गैस भरने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे गैस भरने के इस्तेमाल में नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन इसमें रीडिंग जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे रीडिंग काफ़ी हाई हाई पे है, और यहाँ पे आपको हर 10 10 पॉइंट बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 PSI, फिर 20, फिर 30 40 50 60, ऐसे करते करते ये 250 PSI तक आपको बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताएगा पहले आपको 0 बताएगा, फिर सीधा 50 बताएगा, फिर 100 बताएगा, ऐसे करते करते आपको यहाँ पे 500 बताएगा, इसलिए प्रॉपर इसमें बैक प्रेशर हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम ये खाली पंपिंग चेक करने के लिए ही इस्तेमाल में लेते हैं। साथ में अपने एक टेप भी रखिए ताकि आपके काम आए, और हमेशा चौड़ी जो टेप है, आप एसी का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इंसुलेशन करने के लिए आप इस तरह की चौड़ी 3 इंच की और 2 इंच की टेप साथ में रखिए, और कलर होना चाहिए उसका वाइट और ब्लैक, और मेरे पास में ये अलग कलर की है थोड़ी, मैंने खाली दिखाने के लिए रखी है, तो इस तरह की चौड़ी टेप आपने अपने पास रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसुलेशन के काम में आने वाली वाइट और ब्लैक ये दो ही कलर ज़्यादा काम आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पे एसी के एसेसरीज और टूल्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी।
और ब्रेजिंग करने के लिए अगर आप एसी की पाइपों की ब्रेजिंग कर रहे हैं तो ये वाला जो टॉर्च है बड़ा वाला आप देखेंगे, ये एलपीजी सिलेंडर है और ये डबल टॉर्च बोलते हैं इसे, एलपीजी गैस का डबल टॉर्च। और इस तरह का आप ले सकते हैं अगर आप एसी की पाइपों की ब्रेजिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि उनके पाइप थोड़े बड़े साइज के होते हैं इसके लिए। और आप अगर फ्रिज की ब्रेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यही काम में आ जाएगा, क्योंकि इसमें गैस कम भी लगती है और इससे आपकी ब्रेजिंग भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। क्योंकि जो फ्रिज के अंदर जो पाइप का साइज होता है 1/4 का साइज होता है, क्वार्टर साइज होता है उनका, और उसमें ब्रेजिंग करने के लिए आपको यही काम में आ जाएगी। और ये वाले जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाफ पाइप और 5/8 का जो पाइप होता है बड़े साइज का होता है, वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम नहीं करता, इसके वजह से इसलिए हम ये डबल टॉर्च वाली इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसे गैस टॉर्च क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गैस टॉर्च ही इसमें कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक लेबल दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्विन ब्रेजिंग गैस टॉर्च, तो ये लिखा हुआ है और हम भी इसे टॉर्च ही कहते हैं। और कई फ्रेंड क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कईयों के पास में मैंने सुना है कि इसे गैस बत्ती भी बोलते हैं, क्योंकि बत्ती है आगे तो गैस बत्ती भी बोलते हैं। तो आप इस तरह की टॉर्च ले सकते हैं बड़ी वाली, या गैस बत्ती ले सकते हैं, और एसी के काम में ये आएगी और फ्रिज के काम में ये आएगी। और हमेशा अपने पास में वेल्डिंग करने के लिए ब्रेजिंग रॉड भी रखें और साथ में एक लाइटर भी रखें। ये तो मैं कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों को भी पता है, कई चीज़ें हैं जो नहीं पता है, फिर भी मैं आपको सारे टूल्स दिखा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट एसी में काम आने वाला क्लैंप मल्टीमीटर, इससे आप एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। क्लैंप मल्टीमीटर है, और मेरा जो है क्लैंप मल्टीमीटर HTC का है। पहले मैं इस तरह के क्लैंप मीटर रखता था, क्योंकि ये चाइनीज़ आते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तकरीबन मेरे साल में 3-4 ख़राब हो जाते थे। फिर मैंने इनसे परेशान होकर के ये ले ली, और इसकी कीमत तकरीबन 900 से 1100 रुपये के आसपास है अमेज़ोन पे। और अगर आप ये भी ख़रीदना चाहते हैं तो मैं ऐप के अंदर एडवर्टाइज में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसे ख़रीद सकते हैं। और इसमें खासियत ये भी है कि इसमें एक टॉर्च भी है, सॉरी इसे यहाँ से ऑफ़ करें, यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें एक टॉर्च भी जलेगी। अगर आप कहीं पे क्लैम्प कर रहे हैं तो आपको टॉर्च यहाँ पे ही मिल जाएगी, आपको टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये है, और आप यहाँ पे इसे एम्पियर को होल्ड करके भी रख सकते हैं। एग्जैक्ट एम्पियर आने के बाद में आप इसे होल्ड का बटन दबा देंगे तो आपको नंबर जो है होल्ड पे हो जाएगा, फिर ये काउंटिंग बढ़ेगी नहीं। तो इस तरह का आप ले सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का। हर चीज़ जो भी आप टूल लेते हैं बढ़िया क्वालिटी के रखें, ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो और इजीली काम हो जाए। फ्रेंड, कई दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि चार्जिंग वॉल कैसे होती है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रिज में काम आती है हमें। आप देखिए कि इसे हम फ्रिज में जहाँ से चार्जिंग लाइन होती है कंप्रेसर के ऊपर, इसे हम वहाँ पे लगा के ब्रेजिंग कर देते हैं। और ब्रेजिंग करने से पहले ध्यान में रखें कि आप ये जो अंदर एक वॉल लगी हुई है, इस वॉल को जरूर निकाल लें, इस तरह से, ये इस तरह से। इस वॉल के ऊपर रबड़ लगा हुआ है, अगर आप इधर से ब्रेजिंग करेंगे तो गर्म होकर के ये वाला जो रबड़ है ये खराब हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी गैस धीरे धीरे लीकेज हो जाएगी। तो आप ये निकाल के इसे अपने जहाँ पे कंप्रेसर होता है फ्रिज का, जहाँ से गैस चार्ज करते हो, उस जगह पे ब्रेजिंग कर लें और ये वाल लगा दें, ताकि आपको दोबारा से आपको पाइप काटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको दोबारा ब्रेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की वाल लगा देंगे तो आपकी चार्जिंग लाइन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको दोबारा अगर टॉप अप करना है, या मान लीजिए आप फ्रिज का ड्रायर या कैपलरी खराब हुई है वो चेंज करना है, फिर आप दोबारा से पाइप काटोगे, फिर दोबारा से गैस भरोगे, फिर दोबारा से पाइप की ब्रेजिंग करोगे, तो ये वाली जो समस्या होगी इस वॉल से चेंज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये सोचेंगे कि ये हमारे यहाँ पे नहीं मिलती, तो फ्रेंड इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। और ये हमारे यहाँ पे राजस्थान में इसका तकरीबन प्राइस 25 रुपये है, और आपके यहाँ पे क्या रेट मिलती है ये डिपेंड करता है वहाँ के स्टेट के हिसाब से। तो आप इस तरह की वॉल भी अपने पास में 3-4 रखिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ब्रेजिंग करते समय। और साथ अपने पास में हमेशा चीज़ों को रखिए, चार्जिंग वॉल, रिले,
कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें अपने पास में बैकअप में रखोगे ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ताकि आप वहीं के वहीं आप आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इसमें प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अपने पास कैपेसिटर रखें, अगर एसी का या फ्रिज का कोई कैपेसिटर ख़राब है तो आप हाथों हाथ उसे चेंज करके देख सके कि इसमें कैपेसिटर की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें बैकअप में रखेंगे तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड आपने देखा कि यहाँ पे लगभग सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एसी में और फ्रिज में काम करने के लिए जो टूल चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। और एक टूल मैंने आपको अभी यहाँ टेबल पे नहीं रखा हुआ था और मैंने बताया भी नहीं, वो है हैमर मशीन। इस तरह की हैमर मशीन अपने पास रखिए। आप सोचेंगे कि इस तरह की बड़ी हैमर मशीन क्या काम आएगी यहाँ पे, तो फ्रेंड दीवार कई तरह की होती है, हमें आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करना होता है। स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है काफ़ी हैवी होता है, और जब हम उसका स्टैंड लगाते हैं तो वो काफ़ी मजबूती के साथ में लगाना होता है, और कई जगह ऐसी दीवार होती है पत्थरों की जहाँ पे हमारी नॉर्मल ड्रिल मशीन काम नहीं करती, तो वहाँ पे ये हैमर ड्रिल ही काम करेगी। और ये जो मेरी हैमर ड्रिल है ये 3-in-1 है, ये ड्रिल का भी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे एक ये ड्रिल का भी काम करती है और हैमर का भी काम करती है और प्लस झिरवी का भी काम करती है। जो कि यहाँ पे मेरे 3 सिलेक्शन दे रखे हैं। अभी ये जो सिलेक्शन है ये हैमर के ऊपर है, अगर इसे मैं इस तरफ घुमाता हूँ तो यहाँ पे ये ड्रिल के ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं इसे यहाँ से करके इस राइट साइड में इधर कर देता हूँ तो ये झिरवी के काम आता है। इसके आगे एक मेरे पास में अभी है नहीं, इस तरह की झिरवी वाली बिट आती है वो यहाँ लगती है, और ये पूरी तरह से जहाँ पे हमें झिरवी करनी है वहाँ पे ये झिरवी कर देती है, और हम जहाँ पे भी कॉपर पाइपलाइन की इंस्टॉलेशन करते हैं इंटरनल, जो दीवारों के अंदर झिरवी करते हैं, तो पहले तो हम उसे ग्राइंडर से काटते हैं, और सबको पता है ग्राइंडर मशीन क्या होती है। हम पहले उसे ग्राइंडर से काटते हैं उसका साइज के हिसाब से, और जब हम उसे झिरवी डालते हैं तो इस तरह के छन्नी से नहीं डालते, हम इस मशीन से ही झिरवी करते हैं, यहाँ पे इसके आगे झिरवी वाली बिट लगा के इस मशीन से ही करते हैं। तो ये वाली कमी थी जो मैंने अभी इससे पहले यहाँ पास में जब हम वीडियो बना रहे थे तब दिखाई नहीं, तो ये हैम्बर मशीन भी आपके पास में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास में रखें, और इसमें अगर आपको लगता है कि कोई स्पेयर पार्ट मिसिंग है, कुछ टूल्स मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी टूल के बारे में। और काफ़ी फ्रेंडों के मैसेज आ रहे थे, और सबको टूल्स के नाम मैं किस तरह से बताता, और उन्हें नाम बताने के बाद में उन्हें कैसे पता चलता कि कौन सा टूल्स का क्या नाम है और वो टूल्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता कि फ्लेयरिंग टूल लीजिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लेयरिंग टूल क्या है। जैसे कि ये है फ्लेयरिंग टूल, मैं आप लोगों को खाली व्हाट्सएप पे बोल तो नाम तो बता देता लेकिन पता कैसे चलता फ्लेयरिंग टूल क्या है। तो ये होती है फ्लेयरिंग टूल, इसलिए सोचा कि आपको वीडियो बना के पूरी डिटेल आपको दे दूँ। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है टूल्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।